Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। एनबीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर शिवाजी महाराज का उत्सव मनाने का सपना देखने वाले नागपुर के सागर चंद्र किशोर कुंभारे को, जिन्होंने 19 फरवरी को शिवाजी जयंती के मौके पर अपने इस सपने को पूरा कर दिखाया है। सागर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों दोस्तों, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, और उनमें से एक हमारे नागपुर के आन बान और शान, जिन्होंने न सिर्फ हमारे विदर्भ का बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। तो मैं जानना चाहूंगी कि सागर, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं सागर चंद्रकिशोर कुंभारे नागपुर से। अभी मेरी उम्र 21 साल है और फोर्थ ईयर केडीके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैं अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहा हूँ फाइनल ईयर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सागर को 360 एक्सप्लोरर द्वारा अंतरराष्ट्रीय ट्रैकिंग के लिए भी चुना गया था, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 13 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित की गई थी। सागर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि आप अभी फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम स्टार्ट है, तो ऐसे में ये एक डिफरेंट फील्ड कैसे चूज किया आपने? तो एक मेरी पहले हॉबी थी, एक सभी लोग जैसे कि स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, वैसे भी, पर मैं चाहता था कि इन सबसे अलग कुछ करूं मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने एक पर्वतारोही देखी अपने आप में। सबसे पहले मैं माउंट इंडियन मिलिट्री स्कूल में था 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक, वहां से हमने माउंटेनिंग स्टार्ट हुई मेरे लाइफ में सबसे पहले। वहीं से मैं पर्वतारोही कहलाता था, और हमने सबसे पहले माउंट ब्लैक पीक माउंट को सर किया था सबसे पहले। हाँ, माउंट अबू सर किया था जी। तो उसके बाद आपका जो है थोड़ा सा आप में हौसला आया कि नहीं मैं एक स्टेप और आगे बढ़ सकता हूँ। तब वैसे जैसे कि मेरा इंडियन मिलिट्री स्कूल से, वहां पे इंडियन मिलिट्री स्कूल देखा जाए तो उसमें एडवेंचर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। तो वहीं से मैं एडवेंचर की तरफ मुड़ा, जैसे कि हमारे तरफ फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट होते हैं, वैसे कोई भी मिलिट्री स्कूल नागपुर में, हमारे पास भोसना मिलिट्री स्कूल है, मिलिट्री स्कूल बोले तो वहां से एक एडवेंचर एक्टिविटी स्टार्ट होती है, और मेरी एडवेंचर एक्टिविटी माउंटेनियरिंग इंडियन मिलिट्री स्कूल से स्टार्ट हुई। मतलब शुरू से ही आपको एडवेंचर्स जो है उसको करने का शौक था। या और नागपुर के पास जैसे देखा जाए, हमारा रामटेक है, सेवन सिस्टर हिल है, ऐसे फ्रेंड के साथ हम जाते थे पिकनिक मनाने के लिए, पर वो एक क्लाइंबिंग करना और एक माउंटेन क्लाइंब करना, ये बहुत डिफरेंस है दोनों में। फिर वहीं से मेरे जुनून आया कि हमें भी इससे बड़े बड़े माउंटेन हम क्लाइंब कर सकते हैं, तब से मेरी माउंटेनिंग फील्ड स्टार्ट हुई। दर्शकों, पहाड़ों की चढ़ाई कई लोग अपने शौक के रूप में भी करते हैं, इसे बहुत ही रोमांचक और साहसिक तौर पर भी माना जाता है। मैं पूछना चाहूंगी सागर की किस उम्र में आपने इस ओर जाना चाहा, और ऐसे में आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना मिला? मेरी क्लाइंबिंग माउंटेनिंग में स्टार्ट हुई मेरी जब उम्र थी 15-16 साल से। नागपुर के आसपास जो है हमारे रामटेक है, सेवन सिस्टर हिल है, इधर कुवारा व्यू से, ये हम छोटे मोटे पीक क्लाइंब करते थे। पीक नहीं बोल सकते, एक नॉर्मल ट्रैकिंग होती थी जो हम दोस्तों के साथ करते थे। तब हमें पता चला जैसे जैसे हम पत्थरों पे चलते हैं, और जमीन पे चलना, रोड पे चलना तो इजीली चलता है, पर जैसे हम पत्थर पे चलते हैं तो हमें लेग्स में जो फिजिकल एक्टिविटी है हमारे, वो एक हमें पता चलता है कि हम किस रूप तक जा सकते हैं आगे। तो वहां से मैंने सोचा कि हमें माउंटेनिंग फील्ड में बढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले माउंट आबू क्लाइंब किया था जो राजस्थान में है। अच्छा। उसके बाद माउंट पातालसो क्लाइंब किया जो लद्दाख में था, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद माउंट ब्लैक पीक क्लाइंब किया हमने जो उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पीक था, और उसके लिए ऑल ओवर इंडिया से 5 माउंटेनियर से, और रेटेस्टली हमने 1950 को माउंट किलिमंजारो क्लाइंब किया है। सागर, देखिए अभी तो आपकी उम्र काफी कम है, मतलब 21 साल में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या इसके लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान होता है? हाँ, जैसे कि कोई भी हम एक्चुअली कोई भी ड्रिंक वगैरह जो है
वो हम अल्कोहल नहीं ले सकते, सिगरेट या कोई भी एनीथिंग हम नहीं ले सकते, या फिर जिस पीरियड में आपको चढ़ाई करनी हो हाँ जो पीरियड रहता है, जैसे हम क्लाइंबिंग स्टार्ट हो रहा है उससे वन मंथ बिफोर या दो मंथ पहले हम जो स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान, डेली मॉर्निंग को हमारे रनिंग फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह पूरा स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि माउंटेन पे सर्वाइव करना इज एंड वेरी डिफरेंट होता है ये एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल लाइफ से देखा जाए तो वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं हम, जितने हाई अल्टीट्यूड चलते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की लेवल भी कम होते जाती है, इसलिए हमें बॉडी को मेंटेन रखने के लिए डेली हमें नियर बाय 20-25 किलोमीटर रनिंग डेली करने पड़ता है, पुशअप डिप्स। सागर ये एक बहुत बड़ी बात है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा, और मैंने सुना है कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी इस बात पर आपका नाम दर्ज है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर आप लोगों ने अपने माध्यम से शिवाजी महाराज का उत्सव यानी 19 फरवरी को शिवाजी जयंती मनाया है, तो ये बात आपके मन में कैसी आई कि उसी दिन हमें जो है भारत का भगवा जो है वो अफ्रीका की ऊंची चोटी पर लहराना है? सबसे पहले तो जैसे माउंट किलिमंजारो हमने क्लाइंब करने की मन में ठान लिया था, तो बहुत सारे डेट्स होते हैं हम IMF को अदर कंट्री को अप्लाई करते हैं माउंटेन क्लाइंब करने के लिए, हमें वो डेट के अकॉर्डिंग डेट मिलती है कि तुम इस डेट को सबमिट करोगे, बट महाराष्ट्र की टीम थी पूरी तो हमने सोचा कि हम क्यों ना 19 फरवरी को जो कि हमारे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जयंती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो हम अगर वहाँ पे मनाएंगे तो एक प्राउड फील मोमेंट भी रहेगा हमारे लिए और पूरे गर्व की बात है पूरे महाराष्ट्र के लिए, और ये भी हिस्ट्री में अभी तक फर्स्ट टाइम ही होने जा रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम माउंट किलिमंजारो पे मनाएंगे और ऑन हाई अल्टीट्यूड 19,341 फीट पे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना 19 फेब को, हमारे पास 26 जनवरी या 15 अगस्त ये भी डेट थे, बट हम ईयर में कभी भी कोई भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो नेशनल फ्लैग साथ में रहता है, बट अगर हम 19 फेब को पीक सबमिट करेंगे तो एक छत्रपति महाराष्ट्र का फ्लैग महाराजांचा उसके साथ ही साथ नेशनल फ्लैग भी हम वहाँ पे होस्ट कर सकेंगे, ये हमारा प्लान था। सागर मैं पूछना चाहूंगी कि देखिए आप इंडियन हैं, तो कई बार हम इंडियंस लोग जो है वो फॉरेनर लोगों से अपने आप को थोड़ा कम महसूस करते हैं, तो आपके साथ तो हर कंट्रीज से आए हुए लोग थे, तो ऐसे में क्या आपको उनसे कम्पीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था? हाँ, सपोर्टेड है वहाँ के लोग। स्टार्टिंग के फर्स्ट डे एक या दो दिन मुझे लगा कि ये अदर कंट्री के फॉरेनर्स है, इनकी इंग्लिश और हमारे इंग्लिश एज कम्पेयर तो थोड़ा आगे पीछे होता है, पर जैसे जैसे एक देखा जाए कि वो हमारा इंडिया भी किसी अदर कंट्री से कम नहीं है, हमारे इंडिया में भी नॉर्मल बेसिक इंग्लिश सभी को आती है, अगर आप उस लैंग्वेज में भी उनसे बात करते तो इजीली वो आपको कांटेक्ट करेंगे और इतना फ्रेंडली होते हैं अदर फॉरेनर्स, हम जैसे कि बोलते हैं कि ये फॉरेनर्स है इनको गर्व है ये बात का, हम उनको जैसे उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है वैसे उनको मराठी नहीं आती, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की लैंग्वेज है मराठी हिंदी वो उनको नहीं आती, और जो उनकी लैंग्वेज है इंग्लिश वो हमें 50% 80% नियर बाय सभी को आती है, तो इसलिए उनसे हमें कांटेक्ट करना इजीली सर्वाइव होता है। कोई ऐसा वाक्य है जब आपको बहुत अच्छा लगा कि नहीं मेरे साथ जो टीम है वो बहुत अच्छी है? हाँ, ऐसे देखा जाए तो जैसे हमने अदर कंट्री में गए तो पूरे फॉरेनर्स थे, हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अदर कोई पर्सन है क्या अदर कंट्री के, वो एक हमारी फैमिली हो जाती है, माउंटेन में कोई भी देश से आए या कोई भी दुनिया से आए वो एक वहाँ पे फैमिली होती है, क्योंकि उनके साथ वही लोग सपोर्ट करते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम आती है या कुछ आती है तो वही एक फैमिली होती है उनको माउंटेन्स पे कि उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे ना नेटवर्क होता है ना कोई इमरजेंसी सर्विस के लिए भी हमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो एक फैमिली मिलके रहना पड़ता है सभी को, हम वो नहीं सोच सकते कि ये अदर कंट्री का है क्या, ये हमारे देश का नहीं है, ये हमारे जात पात का नहीं है, माउंटेन्स पे जाने के बाद सभी एक सिर्फ एक ह्यूमन बींग करके रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब आपका जो उनके साथ का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहा। या जी दोस्तों, एनबीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इन बीसीएन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया है सागर चंद्रकिशोर कुम्हारे को। सागर, अभी प्रश्नों का सिलसिला अभी हम शुरू करते हैं। हमने सुना है कि आपके इस खूबसूरत ख्वाब सपने को पूरा करने में बीसीएन और बीटीपी ग्रुप का भी सहयोग रहा है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो किस तरह से। हाँ, एक आती है जैसे हम एडवेंचर एक्टिविटी आती है माउंटेनियरिंग, ओपन सी, वाटर स्विमिंग, जैसे हमारे विदर्भ में, महाराष्ट्र में बहुत स्टूडेंट है, बहुत ऐसे मेरे जैसे काबिलियत रखने वाले स्टूडेंट्स है जिनको आगे आने के लिए चांस चाहिए रहता है। जैसे ही मेरी बात पहचान हुई, फिर बीटीपी ग्रुप के जो हमारे डायरेक्टर सर है सिराज सर, सर से सिराज शेख सर, उन्होंने बताया कि आप माउंटेनिंग पे चलो, हम आपके साथ है, मेहनत आपकी साथ हमारा, ये उनका वाक्य था जो कि हमें अभी तक इस मंजिल तक पहुंचाया है। उन्होंने सिराज सर ने बोला कि जितने आपको अड़चने आएगी पूरा हमारा सपोर्ट रहेगा, मेहनत आप करो, साथ हमारा रहेगा आपके साथ। और उन्होंने मुझे इस इंटरनेशनल एक ट्रैकिंग के लिए है, मुझे जो मेहनत की और एक हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, जो कि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और 25 फीट फ्लैग, सैफरन फ्लैग हमने वहां पे होस्ट किया, तो उसके पीछे की बीटीपी ग्रुप और बीसीएम ग्रुप का हाथ रहा जी। तो मुझे सागर एक चीज और पूछनी थी कि क्या एक सामान्य घर का लड़का भी इतनी ऊंचाइयों तक जा सकता है? मतलब यहाँ साउथ अफ्रीका, मतलब बोला जाए तो काफी फाइनेंशियल जो है उसके लिए स्ट्रांग होना पड़ता है, तो कैसे संभव हो पाता है ये सारी चीज? हाँ, तो ऐसे देखा जाए तो सामान्य लड़का भी यहाँ तक जा सकता है, सिर्फ आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये काबिलियत है। बट आपको समाज में बहुत सारे लोग मिलेंगे, जैसे सिराज शेख सर है, ऐसे भी बहुत लोग है, सर के साथ मैडम जो है, फिर जो है मैडम भी है, तो ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सिर्फ आपको आगे आना पड़ेगा कि हमें ये काबिलियत है, आपको काबिलियत दिखानी पड़ेगी उनको कि सपोर्ट तो हर कोई करता है, सर है। कई बार फाइनेंशियल दिक्कतें जो है वो इंसान चाह कर भी नहीं कर पाता है, कई बार हम सोचते हैं कि इतनी दूर हम जा तो सकते हैं लेकिन वो चीज जाने के लिए हम वहां पहुंचेंगे कैसे? फिजिकल एक्टिविटी के साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होना जरूरी है, और ऐसे में 50% एक किसी का सपोर्ट लगता है, तो आपको किसका लगा? मुझे मेरे माता पिता के साथ बीटीपी और बीसीएन ग्रुप था जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं नागपुर से साउथ अफ्रीका जाने के लिए सोच, हम अगर सोचेंगे एज अ नॉर्मल पर्सन कहके, कि एक मेंटेलिटी हो जाती है कि वहाँ पे अदर कंट्री जा रहे तो मतलब बहुत सारा ढेर सारा पैसा लगेगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या होगा हमारे साथ, फूड्स कैसा होगा, सबसे बड़ी बात आती है फूड की, जो हमारा फूड और उधर अदर कंट्री का फूड मिस मैच नहीं हो सकता। इसलिए तो मुझे सिराज सर और जो है मैम ने बताया था कि नागपुर से निकलने तक उनका सपोर्ट रहा हो मुझे, उन्होंने बोला अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, हमें कांटेक्ट करो, हम आपको हर टाइम हेल्प करेंगे। और इस तरह से जो है वो आपका जो सफर है वो पूरा हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि ये बार बार कह रहे हैं कि बीटीपी और बीसीएन ग्रुप, तो बीटीपी के सीएमडी मिस्टर सिराज शेख और जोया मैम का जो सहयोग है वो समय समय पर न सिर्फ हमारे नागपुर के सागर को बल्कि विदर्भ में जितने भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं, खिलाड़ी हैं और जो अलग अलग फील्ड में जाने के इच्छुक हैं तो उनको हमेशा मिलता रहता है। अपने आप में एक बार फिर मैं उन्हें भी सम्मानित करती हूँ कि उनकी जो पहल है, आज उनकी पहल की वजह से आज हमारे भारत देश का नाम रोशन हुआ है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इस ट्रैकिंग में महाराष्ट्र से 5 पर्वतारोही जो है शामिल हुए थे, किंतु केवल 3 ही लोग जो है वो शिखर सम्मेलन तक सफलतापूर्वक पहुंच पाए थे, जिनमें से हमारे नागपुर के सागर एक है। सागर मैं जानना चाहूंगी कि आप, अभी तक आपने तो ये बताया कि मैं वहां से यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचा, लेकिन आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? मैं इस पूरी ट्रैकिंग का सफलता का शेयर अपने माता पिता सहित बीटीपी और बीसीएम ग्रुप को देना चाहूंगा, क्योंकि उनके सहयोग से वजह से आज मेरा इंटरनेशनल जो पीक था वो कंप्लीट हो चुका है। सागर, हमने सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो एडवेंचर फील्ड है बहुत डिफिकल्ट होती है, ऐसे में माता पिता स्पेशली जो है और अपने लड़कों को जो है वो जाने नहीं देते हैं, तो किस तरह से आपके पिताजी ने आपको सपोर्ट किया? मेरे पिताजी का सहयोग हर टाइम हमारे साथ रहा है,
मैं कोई भी एक एडवेंचर, क्योंकि उनमें भी एक वो एक काबिलियत थी कि कोई एक नया कुछ करना है, कोई अलग से कुछ करना है, तो इसलिए मैं कुछ भी करता हूँ तो हर टाइम हमें सपोर्ट करते हैं पूरी फैमिली को, कि फाइनेंशियल कंडीशन रहे ना रहे फिर भी उनका एक सपोर्ट रहता है हमारे साथ पूरे टाइम। डर नहीं और लगता आपको कि मतलब अगर बेटा है, बेटा बाहर जा रहा है, इतने मतलब खतरनाक चीजें करने, तो कभी कुछ हो ना जाए? हाँ, वो एक डर रहता है, और वो एक अगर हम सच देखे देखता है तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एक रिस्क हमें उठानी पड़ती बिल्कुल है। बिल्कुल एडवेंचर एक्टिविटी और माउंटेन्स पे, हम हाई अल्टीट्यूड में थे, हम महाराष्ट्र के जो 5 माउंटेनियर्स थे, हमारा किबो हट तक सभी का ट्रैकिंग बहुत अच्छा रहा। किबो हट की हाइट देखा जाए तो 4,700 मीटर है, और फीट में देखा जाए तो 15,419 फीट है, और वहां तक ऑक्सीजन लेवल और ट्रीज पेड़ पौधे नहीं रहते वहां पे, और हम जो 5 लोग थे टीम ने पूरा पूरी ताकत से रात वहां तक चढ़ाई थी। और उसके बाद किबो हट से हमारा थोड़ा नाइट समिट रहा, हम रात को करीबन 10-11 बजे निकले थे ट्रैकिंग के लिए, और नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग 6 या 7 बजे तक कंटिन्यू क्लाइंबिंग करना था, और बीच में हम रुक नहीं सकते थे क्योंकि वहां पे बॉडी फ्रीज होती है, कंटिन्यूस तुम्हारी बॉडी जैसी वर्क करती है वैसे तुम्हारा साथ चलता है समिट तक। तो हम महाराष्ट्र के तीन तीन बंदे थे, समीर मालूसरे, तुषार सुबेदार एंड अनी एंड मैं, हम जी तीनों ने फाइनल समिट अटेम्प्ट किया, और जो हमारे साथ थे उन्होंने भी बहुत अच्छा ट्राई किया, सागर बोकाड़े एंड सुबोध वरगट। जी सागर, ये बताइए कि आपके फैमिली में भी कोई इस फील्ड में है, या फिर आप अपने परिवार का पहले ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ तक इस फील्ड में गए हैं? नहीं, मेरे फैमिली से तो मैं अकेला हूँ अभी जो माउंटेनिंग में हूँ, और फैमिली से अभी तक ऐसे कोई भी नहीं। फैमिली बैकग्राउंड आपका बिजनेस ओरिएंटेड है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? नहीं, पापा LIC में एजेंट है और मदर हाउसवाइफ है, अच्छा नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड है। जी, मतलब एक चीज तो आपने साबित कर दी है कि अगर आपके मन में हौसला है, या फिर आपके मन में आपने कोई सपना देखा है, तो आपको शायद आपके सपनों को पूरा करने में जो है वो सारी कायनात जुट जाती है, और ऐसा ही आपके साथ हुआ है। मेरा आखिरी सवाल सागर आपसे ये होगा कि इसके बाद, वैसे तो आपने ये बहुत बड़ा जो है ये अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन नेक्स्ट प्लान आपका क्या होगा? हमारा नेक्स्ट मेन प्लान है, हमारा एम जो है वो माउंट एवरेस्ट है, दो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, जी वो क्लाइंब करना है। लेकिन डायरेक्टली हम कभी भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जो बिगिनर्स पीक होते हैं, माउंट किलीमंजारो, माउंट अल्बस, एकेनगोवा, मना इंडिया में भी देखा जाए तो बहुत सारे पीक है, तो ये पीक क्लाइंब करने के लिए सबसे पहले हमें एक फाइनेंशियल हेल्प लगती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना ये इजीली नहीं होता वो, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल पूरा 0 डिग्री रहता है, और आइस में तुम कंटिन्यू 5-6 दिन सर्वाइव करते हो, और देखा जाए विदर्भ में जो हमारा टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर है, वो टेम्परेचर 50 डिग्री है। तक जाता है, इजीली जाता है हर साल 50 डिग्री, और वहां का टेम्परेचर -25 -30 डिग्री, तो बॉडी इसके लिए एकोमोडेट करने के लिए बहुत दिक्कतें जाती है, उसका हमें सामना करना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज जो हमने यहाँ पर सागर के साथ चर्चा की है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके जवाब आपको मिल गए होंगे। और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगी कि सागर ने हमारे स्टूडियो में आने से पहले ये भी कहा कि मैम, आपके दर्शकों के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ट्रैकिंग और इस क्षेत्र में जाने के लिए जिस किसी को भी सहयोग होगा, तो मैं पूरी तरीके से इसकी जो जानकारी है वो जरूर पहुंचाऊंगा। दोस्तों, इनबिसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट किलिमंजारो पर शिवाजी महाराज का उत्सव मनाने का सपना पूरा कर वापस नागपुर लौटे सागर चंद्रकिशोर कुम्हारे जो है वो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए थे। सागर, एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत स्वागत। धन्यवाद। इन बिसिन की खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए था ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन बिसिन न्यूज। नमस्कार।